कितने तेज पकौड़े हैं, मुंह से तो वाह निकलती है लेकिन पेट से आ निकलती है। तो अच्छा है कल्पना कि तुम्हारी शादी प्रशांत आनंद से हुई, अगर देव आनंद से हुई होती ना तो दूसरे दिन तुमको पिक्चर से निकाल देते। कुछ करो प्रशांत, पहले ही एपिसोड में इतना टाइम पास मत करो, तुम्हें गैरेज नहीं जाना है क्या? और ये हाँ, गैरेज जाना है। कभी कभी तो ऐसा लगता है मैंने तुमसे नहीं गैरेज से मैरिज किया है। मैं प्रशांत आनंद और तुम मेरी पत्नी कल्पना आनंद, यानी इस घर में आनंद ही आनंद। दो आनंद और भी तो है। अरे कहाँ गए वो दोनों? डब्बू चिंपू क्या कर रहे हो तुम दोनों? पंजा लड़ा रहे हैं। वो कहाँ मर गए ये दोनों? डब्बू आ रहा है मम्मी। तो 10 बज गए और मेरी पुरानी गाड़ियों के पेपर्स नहीं मिल रहे मुझे। मिल जाएंगे। अरे क्या मिल जाएंगे? सुनो ना, आज जरा जल्दी आ जाना शाम को। क्यों? सिल्वेस्टर स्टालोन की रॉकी लगी है हिंदी में। अच्छा, मुझे देखना है। हिंदी में रॉकी लगी है? फिर तो उसका नाम पथरी होगा। क्या सोच रहे हो, मेरे जोक मार रहे हो? चलो मैं तुम्हारे पेपर्स ढूंढती हूं, तुम चाय पी लो। क्या ढूंढ रहे हो तुम? स्विच ढूंढ रहा हूं। किसकी? पंखे की। पंखे की स्विच जमीन पर? तो फिर कहाँ होती है? क्या हो गया तुम्हें प्रशांत? मुझे? हाँ? क्या हुआ मुझे? क्या तकलीफ है? ये कब से हो रही है तकलीफ तुमको? तकलीफ? कौन सी तकलीफ? यही सब चीजें भूलने की। कौन भूल रहा है? यू आर टू मच। मैं तो कहती हूँ तुम अपने गराज जाओ, पुरानी गाड़ियां रिपेयर करो, नई गाड़ियां बेचो और अपनी मस्त मस्त जिंदगी के बारे में ज्यादा फिक्र मत करो। शायद तुम ठीक कह रही हो रत्ना। रत्ना? रत्ना नहीं, शोभना। शोभना? क्या नाम है तुम्हारा यार? अरे कल्पना। कल्पना, ऑफ कोर्स कल्पना। कल्पना आनंद, प्रशांत आनंद की इकलौती बीवी, दोनों आनंद, इसलिए घर में भी आनंद ही आनंद है ना। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। वाह कितने प्यारे बच्चे हैं ना। किसके हैं? अपने हैं। बड़ा वाला डब्बू, छोटा चिंपू। ये डब्बू और ये चिंपू, तुम्हें याद नहीं है हमने आरके बैनर को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके नाम रखे थे। हाँ याद है, याद है, याद है। आरके बैनर सर, आरके यानी राजेंद्र कुमार ना। राज कपूर। ऑफ कोर्स राज कपूर, राज कपूर। प्रशांत तुम अपने गैराज में जाकर के पहले अपने दिमाग का स्टार्टर ठीक करवाओ। पता नहीं क्यों कल्पना, लगता है यादों की बारात मेरे दिमाग के मंडप में अटक के रह गई है। लेकिन मैं सब कुछ नहीं भूला है। पता है फर्स्ट ईयर में जो मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी ना, उसका टेलीफोन नंबर तक मुझे याद है। 36 24 36। पता है क्यों? क्योंकि उसका टेलीफोन नंबर और उसका फिगर एक जैसा था, ताकि हम जैसे चाहने वाले आसानी से याद रख सके। तुम जैसों को अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के नंबर क्यों याद रहते हैं? देखो हर क्यों का जवाब नहीं होता मेरी जान, और फिर यादें तो वादों की तरह होती है ना। वो सब भूल जाओ ना, याद करो जब आप हनीमून के लिए श्रीलंका गए थे। हम लोग श्रीलंका नहीं गए थे, हम लोग शिमला गए थे। शिमला गए थे? तो फिर मैं श्रीलंका किसके साथ गया था? प्रशांत। हाँ याद है, ऑफ कोर्स हाउ कैन आई फॉरगेट, हम लोग शिमला ही तो गए थे है ना। लेकिन हम लोग हनीमून क्यों गए थे? इन दोनों बच्चों को गोद लेने गए थे। व्हाट अ लवली चॉइस। अरे जाओ ना अभी। ओहो 10:30 बज गया मुझे। लेकिन मैं ढूंढ क्या रहा था? पेपर्स ढूंढ रहे थे अपने बिजनेस के कागजात। हाँ करेक्ट, पेपर्स। स्टेट एजेंट के धंधे में कागजात का होना कितना जरूरी है। तुम स्टेट एजेंट नहीं हो प्रशांत। तो क्या हूँ? तुम्हारा मोटर का गैराज है, चलती का नाम गैराज, कुछ याद नहीं है क्या? हाँ हाँ याद आया। ये पता नहीं पुराने सीरियल के फ्लैशबैक क्यों मुझे आते रहते हैं, शायद प्रोड्यूसर ने पैसे नहीं दिए होंगे। अब जाओ तुम यहाँ से। अरे वाह फिल्म का पोस्टर। अरे कल्पना सुनो तो, अरे देखो हमारे घर के बराबर सामने माधुरी दीक्षित का पोस्टर लगा है। अरे ए गिर गया ए दिलीप, ए रघु बचे बचे। अरे हां ले 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 बचो। अरे क्या हुआ? अरे भाई देखो भाई, अरे प्रशांत तुम रास्ते में क्यों लेट हो? यार भी तुम्हें लेट हो रहा है क्या? आजू आजू प्रशांत क्या कर? ओह माय गॉड क्या हो गया इसे? हटो सब लोग। प्रशांत क्या हो गया इन्हें? फिल्मी पोस्टर देख रहे थे, लगता है चक्कर आ गया। फिर तो ये फिल्मी चक्कर होगा। प्रशांत होश में हो? प्रशांत पापा, प्रशांत पापा प्लीज उसको अंदर ले चलो, घर के अंदर ले चलो। मुंह क्या देख रहे हो मेरा, मैं थोड़ी उठाऊंगी इसे। Ah.
हम कहाँ हैं? अब कैसा लग रहा है प्रशांत? प्रशांत देवी जी, आज तक हमें इस नाम से किसी ने नहीं पुकारा, यहाँ तक कि रानी साहिबा ने भी नहीं। प्रशांत बहुत हो चुका मजाक। मजाक? तुम क्या समझती हो हम दरबारी विदूषक हैं जो मजाक करें? हम सम्राट हैं, सम्राट। चिंटू, लगता है पापा की आदत चली गई है। हे ईश्वर, ओहो, सारा सर चकरा रहा है हमारा। ऐसा तो पिछले युद्ध में रण मैदान में हमारे साथ हुआ था, जब उस कपटी सेनापति ने हमारे सर पे गदा पटकी थी। डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर क्या करेगा? किसी ऐसे शख्स को बुलाओ जो हमारा इलाज कर सके। अरे क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? पागल कनीज, तू सम्राट को पागल कहती है? हम तुम्हारा सर कलम करवा देंगे, हम सम्राट हैं, सम्राट। टू मच, दिस इज टू मच, दिस इज टू मच। शर्म नहीं आता इन लोगों को? ये मणिरत्नम, मणिरत्नम जैसा ग्रेट डायरेक्टर उसके घर में बम फेंका। तो फिर ये सारा बुरा डायरेक्टर के ऊपर एटम बम फेंकना पड़ेगा जी। अरे छोड़ो ना उसको, इसे देखो ना, पिल्ले ही पिल्ले। नहीं जी, खाली पिल्ले नहीं, पिल्ले इल्ले टीवी पिल्ले। टी फॉर तारकेश्वर, वी फॉर वेंकटेश, पी फॉर पिल्ले। प्यार से लोग टीवी बोलते, टीवी। टीवी, अमीन का वाइफ बी वी पिल्लई, बसम्मा वेंकटेश पिल्लई। बसम्मा, ये कैसा नाम है? क्योंकि हम बसम में पैदा हुआ था जी, इसी वास्ते हमारा बसम नहीं जी। अरे बस करो तुम दोनों, टीवी, इनके दिमाग की हालत तो ऐसी हो रही है जैसे बिना एंटेना का टीवी होता है ना, अपनी बीवी को भी नहीं पहचानता। अरे अरे, ये गरीब प्रजाजन कौन है? आह, समझ गए, लगता है हमारे साम्राज्य के दक्षिण के बाशिंदे हैं। प्रजाजन? ये हमको प्रजाजन बोला, यानी कॉमन मैन। ये हमको पहचाना नहीं भाभी, हम इनका इतना करीबी, इतना क्लोज फ्रेंड, ये हमारा इंसल्ट की। नहीं नहीं नहीं, तुम बुरा मत मानो, यही तो मैं कब से कह रही हूँ तुम्हें। आज सुबह बाहर गए थे, ये गिर गए, सिर पत्थर पे लगा, तब से ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। हम कौन से महल में है सेनापति? अयो, अपनी पत्नी को पति बोलता। ये तो फिल्म का प्लॉट जी। कौन सी फिल्म का? हीना, हीना। याद है हम दोनों देखने गए थे साथ? ये डांस गाना क्या जी, ये बात छोड़ो, ये तो बहुत फिल्मों में ऐसा प्लॉट देखा। अब ये सोचो कि इनका याददाश्त वापस लाने में बहुत देर लगेगा जी, पूरा चौदह रेल क्लाइमेक्स। हम डॉक्टर बेजा वाला को बुला लाता। बेजा वाला, वो कौन है? जो बहुत बड़ा साइकियाट्रिस्ट है, कि हमारा टीवी का बेजा बार बार खराब होता। हम डॉक्टर के साथ पूरा साल का कॉन्ट्रैक्ट किया, वो हर महीना आता और सर्विस करके जाता। वो क्या जी की थोड़ा इकोनॉमिकल पड़ता ना, ये पर्सनल बात तुम पब्लिक में करता है, ये तुम्हारा बहुत खराब आदत। भाभी हमें काम करता, हम बेजा वाले को बुला के आता। बेजा वाला, बालाजी तिरुपति, ठीक कर दो कल्पना का पति। कोई है? क्यों, हम सब आए, इसको दिखाई नहीं देता, ये ब्लाइंड हो गया, यूं कहीं ऐसा हो गया। अरे हम कहते हैं कोई है, कोई दासी, जाओ और हमारे लिए गरम गरम हुक्का ले आओ। यो दासी, हमको तुम दासी बोला? हम किसी का दासी नहीं, हम अपना टीवी का भी दासी नहीं। इंसल्ट करता। और तुम हुक्का कब से पीने लगे हैं? तुम तो कभी स्मोक भी नहीं करते थे। आई डोंट लाइक दिस। प्रशांत, अंग्रेजी अंग्रेजी बोल रहे हो तुम लोग? समझ गया, समझ गया, तुम सब ईस्ट इंडिया कंपनी के जासूस हो। मेरी गद्दी छीनना चाहते हो, मेरा साम्राज्य हड़पना चाहते हो, लेकिन मैं अपना सिंहासन कभी नहीं दूंगा, और जो वो छीनने आएगा उसका सर कलम कर दूंगा। शांत हो जाओ प्रशांत। प्रशांत नहीं, हम सम्राट हैं, सम्राट। आ, आ, आ। Don't you worry, I have put all my data in the case. And I think this is the case of psycholepsist insomniac metamorphosis. Oh my God, ये क्या? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? Good question. इसका मतलब होता है
पेशेंट की याददाश्त चली गई। ये तो हमको मालूम था जी, तुम नया बात क्या बताया? एक मिनट एक मिनट, इसका इलाज क्या होता है डॉक्टर? इलाज बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप लोग हिंदी फिल्में देखते हैं ना? ये तो हमारा प्रोफेशन है। गुड, तो देखिए ना, हिंदी फिल्मों में झटके से याददाश्त जाती है, झटके से याददाश्त वापस आती है। झटका जी, आराम से झटका चाहिए। अब हमें क्या करना होगा? हमें क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा? जो कुछ करना होगा हमें करना होगा, डॉक्टर झटके वाला को, डॉक्टर भेजा वाला को करना होगा। हमने कर दिया है, हमने पेशेंट को नींद की गोली देकर आधा घंटे के लिए सला दिया है। फिर आधे घंटे बाद? अब आधा घंटे तक हम सोचेंगे, और आधा घंटे तक कुछ नहीं हुआ तो पेशेंट को आधा घंटे के लिए नींद का एक और इंजेक्शन दे देंगे। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो पेशेंट को आधा घंटे के लिए नींद का एक और इंजेक्शन दे देंगे। अरे इस तरह से तो पूरे 104 एपिसोड निकल जाएंगे डॉक्टर, कुछ कीजिए आप प्लीज। जल्दी, ओके, जल्दी 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 जल्दी। यस, पत्थर कहाँ है? कौन सा पत्थर? वही पत्थर जिससे आपके हस्बैंड टकराए। हाँ, वो वहां रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? उधर उधर उधर। हाँ। Yes, I can see. Now I will put my bheja on this पत्थर। This is पत्थर। Big one. Yes. ये पत्थर को हमसे दूर रखना जी, हमारा मेमोरी शुरू से वीक, शादी के बाद 1 वीक तक हमको याद नहीं रहता था कि ये टीवी हमारा पति है, हम इसको अपना ससुर समझ के इसका पैर छूता था। नमस्कार। ठीक है ठीक है ठीक है। डोंट वरी, पत्थर से डरने की कोई जरूरत नहीं है, पत्थर को हम आज ही भेज देंगे लेबोरेटरी टेस्ट के लिए अमेरिका। अरे वाह, तब तो प्रशांत को भी भेजना पड़ेगा ना टेस्ट के लिए अमेरिका। नो प्रॉब्लम डॉक्टर, हम सबके पासपोर्ट तैयार हैं। अयो, सेकंड हनीमून। जेलस नहीं होने का? नो 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 नो, प्रशांत को अमेरिका भेजने की कोई जरूरत नहीं है, उसके मन को पढ़ने के लिए मेरे पास एक स्पेशल टेक्निक है। क्या? सम्मोहन। सम्मोहन? वो क्या जी? हिप्नोसिस। Don't worry, let me see. No problem at all. हम कौन सी आता जी? प्रशांत, इधर देखो, इधर इधर, हाँ इधर। Now concentrate, now relax. अब अपनी यादों में चले जाओ, इस रोशनी की तरफ देखो और यादों में चले जाओ। रोशनी, यादें, रोशनी। बंद करो ये रोशनी, हमें रोशनी से सख्त नफरत है। इस रोशनी को देखकर ऐसा लगता है जैसे अनारकली की आंखें हमें घूर रही हो। कौन है ये मुई अनारकली? ये राजा लोग का नाचने वाली के साथ अफेयर, वेरी कॉमन। प्रशांत, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? मुगले आजम। तुम कौन हो? हम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है, शहंशाह हिंदुस्तान। अच्छा, तो तुम वहां के शहंशाह हो? जुगत, हम शहंशाह अकबर हैं, और पता है हमारी 365 रानियां भी है। अरे वाह, यहाँ तो एक रानी नहीं समझ रही तुमसे, वहाँ 365 रानियों के सपने देख रहे हो। हम कौन सी आता जी? पापा जी, शहंशाह आलम और क्या क्या दिख रहा है? हम देख रहे हैं कि हमारी फौज पर सेनापति ने कब्जा कर लिया है, वो अंग्रेजों से जाकर मिल गया है, और वो देखो, वो सब मिलकर हम पर हल्ला बोल रहे हैं, लेकिन हम हमारी गद्दी नहीं देंगे, हम तख्त ताऊस नहीं देंगे, न तीर से, न तलवार से, न तोपों के वार से। शहंशाह अकबर लड़ते हैं दिल के हथियार से। वाह वाह वाह, सुना तुमने, क्या डायलॉग डिलीवरी है ना। ओह डॉक्टर, डॉक्टर देखो ना, कुछ हो गया है इसे। Don't worry. एक बात तो मेरी पकड़ में आ गई है कि इनकी याददाश्त, if I'm correct, yes, 1542 में जाकर अटक गई। अयो, 1942 love story जैसा।
साइलेंस, इतने बोलेगा ना तो डॉक्टर तुमको हिप्नोटाइज करेगा, फिर सारा दिन बैठ के नारियल का चटनी पीसना पड़ेगा। सलीम, तुम्हें बदलना हो डॉक्टर। अब इनको ठीक करने का एक ही तरीका है, साइको ड्रामा। साइको ड्रामा बादम बामुलायदा होशियार जुम्बिश मखन फकीरों के फकीर बादशाहों के बादशाह शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जलवा फरोश हो रहे हैं। ये क्या जोधा भाई, एक ही रात में हमारा महल इतना छोटा हो गया और सारे दरबार वाले कहाँ है? इतना सारा लोग इधर बैठा, इसको कुछ दिखाई नहीं देता। खामोश, पहले ये बताओ इतने आलीशान महल में हमारे लिए क्या एक ही कमरा है? बाकी के कमरे कहाँ गए? जहाँ पर ना वो क्या जी कि बाकी का कमरा वो ईस्ट इंडिया कंपनी को भाड़े पे दिया जी। क्या जोधा भाई, यानी ये फिरंग हमारे महल तक घुस आए हैं? कैसा नहीं घुसेगा जी, तुमको घर को देखने का टाइम किधर है? कभी लड़ाई पे जाता कभी मुजरा देखता, कभी मुजरा देखता कभी लड़ाई पे जाता, कभी डांस कभी एक्शन, कभी एक्शन कभी डांस। बंद करो जोधा भाई, बंद करो ये रोज रोज की झिक झिक, ये रोज रोज के ताने। जोधा भाई ये क्या भरे दरबार में तुम चावल बीन रही हो? अरे ये तो दासी का काम है, दासी कहाँ है? वो दासी तुम्हारे साथ आंख मटक का करता था, हम उसको निकाल दिया जी, हमारा पैसा भी बचेगा। जोधा भाई तुम इस चावल में से कंकर नहीं बीन रही हो, बल्कि हमारी इज्जत बीन बीन कर इस फर्श पर बिछा रही हो। उफ उफ, ये मुगल पागल हो जाएगा। नहीं कंपना, ये लीजिए मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा कबूल करिए, मुझे लगता है आपके दिमाग पे असर पड़ता जा रहा है। नहीं नहीं सिपे साला नहीं, दूर हटाओ ये अंग्रेजी हथियार हमारे सामने से, हमारे ही दरबार में हमें डराना चाहते हो? बिला होल बिला कुवत, हम पागल हो जाएंगे, ये मुगल पागल हो जाएगा। अनारकली कहाँ है? अनारकली को पेश किया जाए। जहां पना जल्दी से जश्न शुरू करो, एक्शन प्लीज। तेरी ये हिम्मत, हम तुम्हें दीवार में जिंदा चुनवा देंगे। सिपे साला बीरबल, ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी मैं अभी ठीक किए देता हूँ सरकार। नहीं, दूर करो ये विदेशी हथियार हमारे सामने से, विदेशी हथियार से हमें मत डराओ। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? लगता है अकबर पागल हो जाएगा, मुगल मुगल पागल हो जाएगा। क्या हुआ प्रशांत? प्रशांत ये तो फिर से बेहोश हो गया। अभी कुछ करो जी, जल्दी से इनको ठीक करो, नहीं तो अब हम पागल हो जाएगा जी। अरे मैं क्या करूं डॉक्टर? प्रशांत, अरे मैं कहां हूं? प्रशांत, ये क्या हुलिया बना रखा है तुम लोगों ने? फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रहे हो या फिर संजय खान की सीरियल कर ली तुमने? ठीक हो गए। हाँ लेकिन मुझे हुआ क्या था? अरे तुम्हें नहीं मालूम प्रशांत, तुम्हारा सर एक पत्थर से टकरा गया था, तुम अपनी याददाश्त खो बैठे थे, अपने आप को अकबर बादशाह समझने लगे थे। अच्छा, अरे तुम्हें ठीक करने के लिए हमें क्या कुछ नहीं करना पड़ा, भेस बदलना पड़ा, ये नाटक करना पड़ा, शॉक के ट्रीटमेंट देना पड़ा, शॉक। हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन ये तो बता मुझे ठीक किया किसने? अरे डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर कैसे बैठा जी? अयो लगता बेहोश हो गया जी। बेहोश हो गया? अच्छा अच्छा, उसे बेहोशी की हालत में अपने घर ले जाओ। अरे भाई अगर यहाँ जाग गया तो फीस मांगेगा ना। हम बिश मकुन, हम शहंशाह मोहम्मद अकबर है, लगता है ये मुगल पागल हो गया, लगता है ये मुगल पागल हो गया।